हेलो, मैं हूं आपका होस्ट योर ट्रैवलिंग होस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं एक फिल्म देखने जो कि आज ही रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, जिसकी कास्ट है माही गिल, जिमी शेरगिल और सौरव शुक्ला। जिमी शेरगिल और माही गिल की केमिस्ट्री तो हम मियाँ बीबी और गैंगस्टर में देख चुके हैं। सो चलिए देखते हैं आगे। कास्ट अच्छी है, प्रोमोज भी काफ़ी अच्छे देखे हैं। ठेठ लैंग्वेज में फिल्म है, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को दर्शाता है। सो लुकिंग फॉरवर्ड। आने के बाद मैं रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं देता हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो मैं निकल पड़ा हूँ मेरी गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी है मेरी। मैं जा रहा हूँ अंधेरी के सिटी मॉल में। वैसे तो मैं मलाड में रहता हूँ और मेरे घर के सामने ही इनॉर्बिट मॉल है, जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं बहुत पहले से ही सिटी मॉल प्रेफर करता हूँ। सिटी मॉल या PVR इन्फिनिटी वन, दोनों में से कोई एक प्रेफर करता हूँ देखने के लिए। अब बोलो कि आप पास में रहता हो उतनी दूर देखने जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आदत हो चुकी है। और मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि मुझे वो ज़्यादा अपना लगने लगा है। तो अभी आज मैं जा रहा हूँ सिटी मॉल देखने फैमिली ऑफ ठाकुरगंज। इन्फिनिटी भी पास में है मेरे, मलाड में, लेकिन वही मैंने जो आपको बताया कि मैं प्रेफर करता हूँ इन्फिनिटी वन या सिटी मॉल। सो जैसे कि मूवी आज ही रिलीज़ हुई है, फ्राइडे, एवरी फ्राइडे कोई ना कोई मूवी रिलीज़ होती है। अभी आप सोच रहे हो कि कैसा इंसान ये दिन में फिल्म देखने जा रहा है, कोई काम वाम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, रात में ज़्यादा काम करता हूँ मैं, जो भी मेरा एडिटिंग का काम होता है, जो भी मैं वीडियो शूट करता हूँ दिन में, वो मैं रात में एडिट करता हूँ। और अगर मैं रात में अगर ड्राइव करूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो आप उसमें देख नहीं पाएंगे, तो बनाने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं दिन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ शूट करना, और रात को एडिट करता हूँ बैठ के। तो जितने भी काम हैं वो दिन में ही करता हूँ, जैसे मूवी देखना, मिलना, मीटिंग्स करना और व्लॉग बनाना। सिटी मॉल में देखने का एक कारण ये भी है कि काफ़ी दोस्त मुझे वहाँ मिल जाते हैं मेरे, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ और जिनके साथ मेरी जान पहचान है, मेरी इंडस्ट्री के लोग ही हैं, तो वो सब मुझे वहाँ कोई ना कोई मिल जाता है। तो एक कारण मेरा वो भी है। फ्राइडे है, मूवी रिलीज़ है, वीकेंड चालू होने वाला है, और टिकट के रेट काफ़ी कम है, खासकर इस मूवी के। अगर मैं कंपेयर करूं लायंस किंग, तो लायंस किंग 500 रुपये की टिकट है, और हमारी हिंदी फिल्म है 150 रुपये की। ऐसा क्यों भाई? दो दिन पहले ही हमने सुपर 30 देखी ऋतिक रोशन की, और मैं प्रेफर करूँगा कि हर एक इंसान जाके देखे, खासकर बच्चे तो वो जाकर देखें। मैं जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि सुपर 30 अपने अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है, ट्रू स्टोरी पे है, आनंद कुमार पे। तो मैं चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि हर एक इंसान सुपर 30 देखे और इंस्पायर्ड हो ट्रू इवेंट से। और मेरा लोनावला वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में लिखें। मेट्रो का काम चालू है काफ़ी टाइम से और काफ़ी टाइम तक चलेगा, पता नहीं कब पूरा होगा। अच्छी बात है, काम हो रहा है और एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग। ट्रैफिक होता है, लोग खुद क्लियर करते हैं जाम को, और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं टाइम से, ट्रैवलिंग से। दो दो घंटे साथ में लेके चलने पड़ते हैं एक्स्ट्रा लोगों को, बट हम लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? वैसे भी डेवलपमेंट लेट हो चुका है मुंबई में। और ये पहुंच चुके हम लोग इन्फिनिटी वन, अंधेरी वाला, जो कि एक और मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर वॉचिंग मूवी। बट आज हम लोग जा रहे हैं सिटी मॉल, जो कि इसके जस्ट 2 बिल्डिंग बाद आता है। आपको इन्फिनिटी वन फिर कभी घुमाऊंगा, आज मैं आपको सिटी मॉल घुमाता हूँ। ट्रैफिक थोड़ा सा है, बट दिन के हिसाब से आज कम है, और तकरीबन मैं समय पर पहुँच चुका हूँ, 15 मिनट पहले, 10 मिनट जाएगा पार्किंग करने में,
और ऊपर जाने में. सो 1:20 तक मैं हॉल के अंदर होऊंगा. सो आज तो मैं फैमिली ऑफ ठाकुरगंज देख रहा हूँ. 2 दिन वीकेंड रहेगा और लायंस किंग भी रिलीज हुई है, बट वो मैं अभी नहीं देखूँगा. पूछोगे अभी क्यों नहीं देखोगे? वो इसलिए नहीं देखूँगी, टिकट थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है क्योंकि न्यू रिलीज़ है. और इंग्लिश मूवी जैसे कि अभी लास्ट हमारी रिलीज़ हुई थी एवेंजर द लास्ट गेम, 2,000 रुपये की टिकट उसकी बिकी है. तो मैं नहीं चाहता सेम पिक्चर में स्टार्ट में जाके ज़्यादा महंगे में देखूँ. वही मूवी में अगर थोड़े कम पैसों में देख सकता हूँ एक हफ्ते के बाद, तो क्यों ना वेट कर लिया जाए. और ये राइट में है मेरे सिटी मॉल. बाहर से थोड़ा सा गरीब दिखता है. अंधेरी का पहला मॉल है ये, सबसे पहला मॉल है अंधेरी का, शॉपिंग का. और मल्टीप्लेक्स जो था वो अंधेरी का सबसे पहला मॉल था, सिटी मॉल. धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं उन लोग. और इसका जो सिनेमा हॉल है, जो मल्टीप्लेक्स है, वो बहुत अच्छा है अंदर से. जैसे कि होते हैं, और इफ़ यू आर लकी तो यू विल गेट चांस टू मीट एनी सेलिब्रिटी. टीवी से काफ़ी लोग आते हैं, फिल्म के काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं. तो अगर आपका लक अच्छा हो तो आप उनसे भी मिल सकते हो. जस्ट इन टाइम से मैंने अपनी घड़ी खरीदी, गैस की वॉच. 3 महीने में उसका बेल्ट ख़राब हो गया था, उसको रिप्लेस करने के लिए 45 डेज का उन्होंने टाइम मांगा था. तो ऐसी सर्विस क्यों देते हो यार. और अब हमें लेना पड़ेगा यू टर्न कुबेर मार्केट से. यू टर्न के लिए कोई सिग्नल होता नहीं है, फ्री है. जब जहाँ चाहिए आपको गाड़ी घुसेड़ दो मुंबई में. सिटी मॉल से लगा हुआ तनिष्क का शोरूम है. शोरूम बोलो या उसका मल्टीप्लेक्स बोलो या क्या बोलो, मतलब ये 3 फ्लोर का उनका शोरूम है. अगर आपके पास पैसे हैं और आपको शौक है ज्वेलरी का, तो आप तनिष्क में आ सकते हो. और अब हम जा रहे हैं पार्किंग करने के लिए. पार्किंग वीकेंड में कुछ और होती है और वीकडेज में कुछ और होती है. तो आज शायद लोग मुझसे 50 रुपये लेंगे. 60 रुपये क्यों लिए? 50 लेते हो ना फ्राइडे. अच्छा हाँ, नहीं मुझे लगा सैटरडे संडे होता है, फ्राइडे भी होता है. मतलब वीकेंड के नाम पे ऐसी लूट होती है ना मुंबई में, और मेरे ख्याल से और भी शहरों में होती होगी. वीकेंड तो अच्छे बोले आदमी को लूट लो, ऐसा क्यों करते हो? आ चुके हैं हम लोग सिटी मॉल के अंदर. मैं एकदम गेट के सामने गाड़ी पार्क करूंगा. क्या फिल्म से निकलने के बाद तुरंत गाड़ी सामने दिखती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है. रेड कारपेट से उतर के एकदम से सामने आपको गाड़ी मिल रही है ना, तो अजीब सी फीलिंग आती है. मतलब सामने गाड़ी लगी हुई है, वाह 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 वाह. महाराज फिल्म देख के उतरेंगे, अपने रथ में बैठेंगे और घर जाएंगे. थोड़ा सबसे पुराना मॉल है, तो पार्किंग का जो इसकी फैसिलिटी वो मुझे पसंद नहीं है. बहुत पहले से काफ़ी कंजस्टेड है, छोटी है, और काफ़ी घूम के जाना पड़ता है जब फिल्म देखने के बाद आप निकलते हो. तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि गेट के सामने गाड़ी हो, तो थोड़ा समय सेव होगा और एनर्जी सेव होगी. तो ये मैं उतर गया अपनी गाड़ी से. ये सब बंद कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं गाड़ी में.
सो अभी मैं मल्टीप्लेक्स के अंदर आ चुका हूँ और सिटी मॉल है और अभी मैं मल्टीप्लेक्स के अंदर आ चुका हूँ सिटी मॉल और कुछ ऑर्डर तो अभी करूँगा नहीं, इंटरवल में देखता हूँ कुछ करता हूँ तो। और ठाकुर साहब आज देखने जाने वाले हैं फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, तो देखते हैं कि भाई हमारे ठाकुर लोगों ने कैसा काम किया है इसमें। थोड़ा मॉल आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, कुछ शूट वगैरह भी चालू हैं यहाँ पे प्रोफेशनल्स। मैं तो एक छोटा सा ब्लॉगर हूँ तो छोटा सा कैमरा लेके अपना घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मॉल है, लाइट कम करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये मेरे पीछे है, खाली है फ्राइडे के दिन, आई डोंट नो शायद रात में कुछ ट्रैफिक आए यहाँ पे, बट अभी का जो है वो तो खाली ही पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं कैसा लग रहा है, हो सकता है रात को लोग आए, ज़्यादा लोग रात को ही देखना प्रेफर करते हैं काम के बाद, तो मेरा तो काम ही यही है तो मैं दिन में आ गया हूँ देखने। और रात में तो मैंने बताया कि मेरा एडिटिंग का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि रात में क्या होता है कि फ़ोन कॉल्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह सब बंद होते हैं, तो रात में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं अपने सारे वीडियो एडिट करने के लिए, और दिन में मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। एक कैपेचिनो बनता है मेरा हमेशा, तो एक कैपेचिनो तो मैं ऑर्डर करूँगा और साथ में दिखाऊँगा क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं हूँ मल्टीप्लेक्स के फूड कोर्ट में और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वन कैपेचिनो और शायद वन वेज रोल। आज एग नहीं खाऊँगा, आज वेज खाने का मन है तो वेज रोल करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर वॉचिंग फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, लखनऊ की मूवी है और फिल्म देख के ऐसा लग रहा है सिर्फ ठाकुर फैमिली ही देखने आई है, बट लकीली मैं अपनी फ्रेंड, मेरी अपनी दोस्त, क्योंकि हम साथ में ही इंस्टीट्यूट में थे और सरप्राइजिंगली ये खुद मूवी में है और काफ़ी अच्छा रोल किया है, बड़ी फिल्म में बड़ा अच्छा रोल है। थोड़ी नर्वस भी थी बट मुझे बताया नहीं, देखने के बाद आई गॉट सरप्राइज एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। पहला काम है, बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग आके देखें। इनका नाम है शिवांगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग आए और इनका काम देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।